मदद का झांसा देकर ठगी करने वाले ठग ने इस बार बौड़ापुर में रहने वाली महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दो आरोपी महिला के टॉप्स और मोबाइल ठग ले गए। महिला शिकायत पर बौड़ापुर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के बौड़ापुर इलाके में सिटी हॉस्पिटल के सामने एक महिला को ठगों ने रास्ते चलते ठग लिया और चंपत हो गई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने बौड़ापुर थाना पहुंचकर बताया कि वह बौड़ापुर स्थित अपने घर कॉलोनी में रहती है। पति दुनिया में नहीं और दो बेटे हैं। पीड़िता सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुंची तो रास्ते में एक युवक मिला और कहा कि आंटी, यहाँ नाक कान और गले का डॉक्टर कहाँ बैठता है? यहीं का पता है, बताया गया है। मैंने मना कर दिया, नहीं पता तो फिर आकर रोक लिया, बोला माथे की लकीरें कुछ कह रही हैं। यहाँ एक और साथी आ गए, दोनों बोले आप बहुत परेशान रहती हो, आपका पति भी मर गया है, आप पर एक और बड़ा संकट आने वाला है। इसके बाद ठगों ने छोटे बेटे के लिए कहा कि वे एक दिन का मेहमान है। युवकों ने उपाय के नाम पर टॉप्स उतरवाया और फिर पर्स में ही मेरी टॉप्स अखवा कर चेन लगा दी। इसके बाद खुद पर्स लेकर कहा कि आगे 10 कदम चलो फिर वापस आना। देखा तो ठग गायब हो चुके थे, पर्स में मोबाइल और रुपये भी थे। फिलहाल बौड़ापुर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरों की तलाश भी की जा रही है। एक महिला के साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या प्रॉब्लम मामला? एक दिन पहले दो लड़कों ने एक महिला को टुटका और उसको बताया कि आप परेशान रहती हैं और आपके साथ अनिष्ट होने वाला है, हमें कुछ करना पड़ेगा, इस तरह की बातें लेकर उसके कान के टॉप्स करवा ली और धोखाधड़ी कर। कुल कितनी कीमत है जेवरा तो, कितना नकदी था? होंगे 25 से 25 हज़ार। आरोपी पकड़े गए? अभी आरोपी भी अज्ञात है, फुटेज वगैरह करवा ली पुलिस। किस जगह घटना है? ये आनंद का क्षेत्र।